नमस्कार, मंजुला प्रशिक्षण आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। इस सप्ताह बॉयज के लिए कुकिंग क्लास लेंगे। कुकिंग क्लास में आज पहले दिन रामफल का शरबत बनाना बताएंगे। जैसे अभी गर्मी बहुत पड़ रही है तो यह रामफल का शरबत बहुत ही अच्छा होता है, और रामफल आजकल सब्जी मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है। यह रामफल हमारे बगीचे में लगा है। हम रामफल और सीताफल दोनों का पेड़ एक ही जगह लगाए हैं और दोनों में अभी फल लग रहा है, तो आज इसी का शरबत बनाना बताएंगे। तो आइए एकदम ताज़ा ताज़ा रामफल से शरबत बनाएंगे, और इसमें शक्कर या मिश्री गुड़ कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ ठंडा पानी और बर्फ मिलाएंगे। यह रामफल प्राकृतिक रूप से ही मीठा होता है, इसीलिए इसमें और कुछ भी नहीं डालेंगे। देखिए बच्चों, जैसे यह सीताफल अभी कच्चा है तो इसको 2-3 दिन के लिए धान में डाल देंगे, धान में रखेंगे, तो यह सीताफल आपे आप इसमें पक जाएगा। अभी कच्चा है, इसको 2-4 दिन के लिए धान में रख देंगे। और आपको एक चीज़ तो बता ही दे, अपने बगीचे की देखभाल हम खुद ही करते हैं, माली वगैरह नहीं रखे हैं, और बगीचे में फल सब्जी फूल जो भी लगाना है हम खुद ही करते हैं, हम उसके लिए माली नहीं लगाते हैं। रामफल के बारे में आप लोगों को क्लास में अभी कुछ और बताएंगे। रामफल के बारे में आप लोगों को कुछ और बताते हैं। रामफल में कई मिनरल्स और एंटीबायोटिक तत्व होते हैं जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में सहायता करते हैं। मधुमेह रोगियों के लिए यह फल बहुत लाभकारी होता है। इसमें एंटी प्रॉपर्टीज भी होती है, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी इस फल को फायदेमंद माना जाता है। विटामिन बी की मात्रा भी इसमें अच्छी होती है, और इससे शरीर में सूजन भी कम होता है, और यह स्वादिष्ट भी होता है। हाँ, ऊपर वाला तोड़ो, वो पकेगा। डंडी सही तोड़ ली, डंडी सही। ये है ना? हाँ। सीताफल अभी तो कच्चा है, छोड़ दीजिए। हाँ। मैम ये रामफल है ना? हाँ। मैम ये सीताफल भी तोड़ रहा हूँ। चलो बस, देखिए इसको इस प्रकार बनाएंगे। इसमें काले रंग का बीज होता है, तो इसका बीज को इस प्रकार पहले निकाल देंगे। ये देखिए इस प्रकार इसका बीज होता है, तो काले रंग का पूरा है। ये देखिए जी, बिल्कुल सीताफल की तरह इसमें काले रंग का सारे बीज इसकी निकाल लेंगे पहले ऐसे। उसके बाद इसको मिक्सी में डाल के चलाएंगे 5 मिनट। इसमें कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ ठंडा पानी और सर्व करते समय एक एक पीस बर्फ डालेंगे। ये देखिए इस प्रकार सारे बीज निकाल लीजिए। देखिए हमारा रामफल का शरबत बन चुका है। बस इसमें ठंडा पानी और बर्फ डाले हैं, नेचुरल मीठा है इसलिए इसमें कुछ भी और नहीं डाले हैं। तो गर्मी में आप लोग भी बनाइए और यह शरबत पीजिए, यह बहुत अच्छा होता है। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।